Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इंसान तो इंसान, भगवान का भी अपमान करने से नहीं चूकी पार्वती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या देवी को तो पहले से ही पार्वती पसंद करना छोड़ चुकी है, उनको अपना कंपटीटर बनाए बैठी है, जबकि अहिल्या देवी को इस बात की खबर ही नहीं है। वो तो इस बात से परेशान है कि पार्वती ऐसा कर क्यों नहीं है। अहिल्या देवी का अपमान वो आते जाते करती ही रहती है। खंडेराव का भी अपमान कर दिया। अब आप सोचिए कि खंडेराव उनके कमरे में आते हैं, नॉर्मली हमने देखा है जब भी जैसे मल्हार सरकार आए या जब लूटे हो तो वो बात अलग है, जब भी आते हैं कमरे में तो गौतमा खड़ी हो जाती है, द्वारका खड़ी हो जाती है उनकी रिस्पेक्ट में। खंडेराव आते हैं तो अहिल्या खड़ी हो जाती है उनकी रिस्पेक्ट में। यहाँ पे शादी भी नहीं हुई है अभी तक, तो राजा ही है ना, मल्हार सरकार तो है नहीं। अगर वो कमरे में आए हैं तो पार्वती तो वही वैसे बैठी है एक पत्थर की तरह, देखती भी नहीं है और वैसे ही बैठी रहती है जब तक खंडेराव माफी नहीं मांगते हैं। तो खंडेराव का भी अपमान कर देती है और यहां तक कर देती है अपमान कि उनको वहीं पे अकेले छोड़ के बहाना बना के वहां से निकल जाती है। तो निकलने के बाद सीधी जाती है शिव शंभू के मंदिर में। जो हमने सीन देखा जिसमें हमें ये दिखा कि कैसे इंसान तो इंसान ही है जिनका अपमान वो कर रही है, वो शिव शंभू का भी आदर नहीं कर रही है। बात करते हैं दोस्तों, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अहिल्या देवी जो के कितनी तारीफ करूं मैं, तो मतलब मेरा मन करता है बोलती जाऊं उनके बारे में। इतने स्वच्छ मन के साथ वो शिव शंभू का धन्यवाद कर रही है कि उन्होंने उनका साथ दिया और उनके साथ हमेशा रहते हैं। जब भी कोई ऐसी समस्या होती है, जब भी किसी इंसान को न्याय दिलाना होता है, किसी बेकसूर को न्याय दिलाना होता है, वो इस जोन में शिव शंभू से बात कर रही है। और पार्वती आके वहां पे क्या करती है कि आपकी तो शिव शंभू सुनते हैं ना, ये है ना वो मंदिर में जाके प्रणाम करती है, ना वो दिए की आरती लेती है, बल्कि वो जैसे ऐसा लग रहा था कि वो शिव शंभू के पास नहीं, वो तो अहिल्या के पास ही आई है। जबकि वहां पे क्या कह के आई है खंडेराव को कि मैं दिया जला के आती हूं, झूठ। मतलब जलन में पार्वती ये भी भूल गई है कि भगवान का आदर करना है, नाम पार्वती है उनका, है ना, पार्वती को देवी माना जाता है, पार्वती के तो एक भी गुण नहीं है उनमें। जब ये सीन हम देखते हैं तो मुझे सच में अहिल्या देवी के लिए तो बुरा लग ही रहा था, मुझे पार्वती के लिए बुरा लग रहा था कि ये ऐसे ऐसे पाप करती जा रही है। शिव शंभू के मंदिर में उनकी बड़ी भगत को, और खुद कह रही है कि आपकी तो सब बातें मानते हैं शिव शंभू, क्योंकि वो बड़ी भगत है, तो इस बात से ही सबक ले लो भाई कि जिसके भगवान सुनते हैं उसको आप कैसे झूठा, कैसे नाटकबाज कैसे कह सकते हो, षड्यंत्र करने वाली कैसे कह सकते हो। मगर पार्वती शायद बहरी हो चुकी है, दिल कहीं और छोड़ आई है, और उस दिल को जो अपने अंदर लेके चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ जलन भर के रखी हुई है। इसका नतीजा क्या होगा ये तो शिव शंभू ही बताएंगे आगे जो हम देखेंगे, मगर फिलहाल जो हरकतें पार्वती कर रही है वो अब बर्दाश्त नहीं हो रही है दोस्तों। क्योंकि कोई और करता जिनको हम शुरू से द्वारका को देखते आ रहे हैं, वो ऐसा ही प्रसाद के नाम पे झूठ, इसके नाम पे झूठ, उसके नाम पे झूठ, मगर पार्वती इतनी जल्दी ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहती है कि अब मैं भी समझ गई हूँ पॉलिटिक्स, अब मैं भी उद्देश्य समझ गई हूँ, इतनी जल्दी। तो ये सब क्वेश्चन माइंड में आते हैं, और साथ में ये भी आता है कि कैसे एक जो नई नवेली दुल्हन जो बनने जा रही है, दो दिन बाद शादी है, कैसे भगवान के सामने ये सब बातें कर सकती है, कैसे भगवान को इग्नोर कर सकती है उनके मंदिर में ही, ना प्रणाम ना कुछ किए बिना वहां से धन धनाती आती है, वहां से धन धनाती चली जाती है, सिर्फ अपना अंदर का कचरा अहिल्या देवी पे डालने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि मैं डरती नहीं हूं, मैं अपना हक लेना जानती हूं। अब जो लोग प्यार को हक से लेते हैं तो उनको तो प्यार कैसे मिलेगा, प्यार तो भावना है, प्यार तो प्यार से ही मिलता है, लड़ाई से तो प्यार नहीं मिल सकता है। काश ये बातें सबको समझ में आए जो अहिल्या देवी सीरियल से हमें समझ में आती हैं। मेरा तो यही पर्पस है दोस्तों, बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करके अपनी राय भी बता दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.